अजमेर के क्लॉक टावर थाना पुलिस द्वारा एक बार फिर कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराई जा रही है। इसे लेकर पुलिस के अधिकारी व जवान रेलवे स्टेशन के आसपास बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर चालान काटने की कार्यवाही को अंजाम देने के साथ ही उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं, जिससे कि महामारी के खतरे को बढ़ने से रोका जा सके। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग करने की अपील करने के साथ ही उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। पालना करवाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क और सैनिटाइजर थूकने वालों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी हमने 10 चालान सोशल डिस्टेंसिंग के किए हैं और कार्रवाई जारी है। समझाइश भी की जा रही है, साथ साथ समझाइश भी की जा रही है, मास्क लगाओ जी, और चालान की कार्रवाई भी जारी है, समझाइश भी जारी है। किस तरीके के चालान हैं ये और कितने कितने के कट रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग के हैं 200 रुपये के चालान, नमाज का 1,000 का चालान है जी। अभी सोशल डिस्टेंसिंग के 10 चालान की। ठीक है, आपका नाम? नुंगाराम एस आई, थाना कलेक्टर अजमेर।